असलकुम कैसे मैं आज ठीक हूँ पर सभी मुसलमान ठीक नहीं हैं जैसा कि आपको पता है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पे कैसी मुसीबत आई हुई है तो आप ज़रूर ज़रूर नमाज़ पढ़ें और फ़र्ज़ नमाजों के बाद उनके लिए दुआएं मांगें और उनकी हिफाजत के लिए दुआएं मांगें और इसराइल के लिए ये दुआ मांगें कि वो अल्लाह पाक उस जगह को नस्त नापूद कर दे उन लोगों को जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों पे जुल्म कर रहे हैं तो आप ज़रूरी नमाज़ पढ़ के या किसी भी तरीके से आप दुआएं ज़रूर करिएगा मुझे तो आजकल रात को नींद भी नहीं आती है बस मेरे ख्यालों में बस यही आता रहता है कि कि हम अपने घरों में तो सुकून से बैठे हुए हैं पर वहाँ पे कितने ही तबाही मचा रखे इसराइल ने और जुल्म कर रहे हैं अमेरिका भी उनका साथ दे रहा है इतना मुझे जानकारी नहीं है या अल्लाह इन जालिमों को हिदायत दे और अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो अल्लाह पाक इन्हें पागारत कर दे और हमारे भाइयों को अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए तो आज जो मैंने शुरुआत करी थी नमाज़ से करी थी उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था और उनके साथ मैं खेलने सी इन अपनी कैट्स के साथ खेलने लगी तो कैट्स के साथ खेलते खेलते भी मुझे एक मैंने वीडियो देखी थी तो उसके अंदर बिल्लियाँ भी यानी कि बिल्डिंगों के नीचे दबी हुई थी तो मुझे इतना ज़्यादा उसे देख के खौफ हो रहा था इंसान दबे हुए हैं और हर तरफ बमबारी हो रही है तो कितना मुश्किल होता है और बच्चे मर रहे हैं जिन बच्चों को लोग बाग अपने बच्चों को और दूसरों के बच्चों को भी हम कभी भी ऐसे नहीं कह सकते बड़ों से लड़ाई हो जाती है लेकिन बच्चों से तो हमेशा प्यार रहता है तो बच्चे भी ऐसे वहाँ पर डरे हुए हैं और कितने ही बच्चे मर चुके हैं और हम अपने घरों में बैठे हुए हैं तो मैं तो जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो बस यही दुआ करती हूँ और अब तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और बस नमाज़ पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ नमाज़ पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ सच बताऊँ तो किसी और बारे में मेरा दिमाग में आता ही नहीं है सब बातों में भूल चुकी हूँ और बस मुझे यही बात याद रहती है बस मैं फ़िलिस्तीन के लिए मुसलमानों के लिए और कुल मोमिन मोमिनात के लिए ही दुआएं करती रहती हूँ अल्लाह पाक और आप सब से भी दरखास्त है कि आप सब भी उनके लिए दुआएं मांगें और दुआओं में बहुत ताकत होती है अल्लाह पाक दुआओं से सब कुछ कर सकता है और अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम दुआएं मांगो तो अल्लाह पाक नसीब भी चेंज कर देता है तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप सब दवाएँ मांगे तो आज मैंने ना जेंगो के कान भी साफ़ करे थे तो इसके कान जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे तो मैंने देखा चेक करा तो इसके कान में थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही है तो मुझे इसकी दवाई भी मंगानी है तो अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहूँगी वो लेकर आएंगे तो ये भी अब पहले दिन तो मैंने कोई ज़्यादा शूट नहीं किया था फिर नेक्स्ट डे हो गया था फिर मैं नमाज़ पढ़ी और अपना मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने जेंगो के कानों की सफ़ाई भी कर दी और फिर मैंने इन्हें थोड़ा सा दूध दे दिया था और फिर मैंने पिया एक गिलास पानी क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे ना थोड़ा सा गले में कुछ खराश सी हो रही थी तो मैंने प्यास भी लग रही थी तो चलो पानी ही पी लेती हूँ और उसके बाद मैं छोरी रह गई थी थोड़ा सा इसको ना खोद रही थी मिट्टी को देख रही थी क्योंकि इन वाले पौधे में ना अजीब से वाइट वाइट कलर के की कीड़े से लग गए तो मैं पानी के अंदर हल्दी डाल के लेकर आई थी और मैं सोच चलो पानी में हल्दी डाल के थोड़ा सा एंटी बैक्टीरिया जो होते हैं इनके इनकी फंगस वग़ैरह वो हट जाएंगे तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रखी थी और हल्दी बिल्कुल ऑर्गेनिक वाली है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे यानी कि जो साबुत कच्ची हल्दी आती है ना उसे पीस के सुखा के पीस के बनाई हुई तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है ये भी ऑर्गेनिक हल्दी का पानी बना के मैंने इसमें डाल दिया है तो कुछ तो होएगा कुछ तो होगा तो देखती हूँ जब तक इसका काम होता है और ये देखिए झेंगो को यहाँ पर आराम से नोश फरमा रहे हैं और सब काम करने के बाद मैं थोड़ा सा ना बाहर खड़ी हो जाती हूँ इधर उधर देखती हूँ और बाहर जो है ना चिड़ियाओं की और इन सब चीज़ों की आवाज़ आती रहती है ना तो मौसम भी बहुत प्यारा सा हो जाता है सुबह को ठंडी ठंडी हवा चलती है तो थोड़ा सा लुत्फ ले लेना चाहिए और उसके बाद मैं और जानू जो है छत पे जा रहे थे तो ये यहाँ पे जीने पे बैठी हुई थी तो मुझसे पहले तो इन्हें चलना होता है यानी कि मैं बाद में चलूँगी देखिए इसे पता है कि मैं छत पर जा रही हूँ इसे भी जाने का बहुत शौक हो रहा है आजकल ये छत पर बहुत जाती है यानी कि अपने साथ लेके जाती हूँ अकेला नहीं छोड़ती कभी बराबर वाली छत पे कूद जाए क्योंकि एक दो दिन पहले जेंगो जो है ना बराबर वाली छत पे कूद गया था तो मुझे डर लगता है कि मैं कैसे इसको पकड़ूंगी तो उसके बाद देखते हैं देखते ही है, सूरज भी बाहर आने लगा था अपने बादलों के से तो मैं इस चीज़ को भी देख रही थी पंछी उड़ रहे थे मौसम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो रहा था और सुबह सुबह भी मैंने फिर दोबारा से अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए दुआएं मांग ली थोड़ा सा छत पे खड़ी हुई थी मैं और इधर उधर देखते देखते भी बस आजकल यानी कि हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से इतना सुकून है और वहाँ पर दो मिनट का भी सुकून नहीं है और ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है लाइटें भी बंद कर रखी है यानी कि बिजली भी बंद कर रखी है पानी भी नहीं है तो ये सब मुसीबतें अभी तो वो सह लेंगे पर अल्लाह के घर में उनके घर में अल्लाह के घर में उनके लिए बहुत बड़ा अज़र है और अल्लाह पाक उनकी मकफ़रत फरमाए जो हमारे बीच में नहीं रह पा रह पाए और क्या ही कर सकती हूँ मैं यहाँ पर मैं दुआ तो कर सकती हूँ और दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ज़रूर ज़रूर दुआ करें और आप नमाज़ नहीं भी पढ़ते हैं तो आज से ही नमाज पढ़ना चालू कर दीजिए क्योंकि नमाज की माफ़ी नहीं है पहले मेरी मेरी भी नमाजें बहुत छोड़ जाती थी लेकिन अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ और अस्त पढ़ती हूँ जब मुझे आलगस आता है तो मैं और अस्त पढ़ती हूँ और शैतान को दूर भगा देती हूँ शैतान एकदम से चला जाता है खड़ी होती हूँ वजू करती हूँ नमाज़ पढ़ती हूँ तो इस सुकून भरा मंजर देखने के बाद मैं अब नीचे चलती हूँ और अब मुझे और जो नाश्ता वगैरह बनाऊँगी अपने हस्बैंड को उठाती हूँ सो रहे हैं वो कहे तो रहे कि मैं उठूँगा पर मैं उन्हें उठाकर आई थी चेक करती हूँ कि अब उठे हैं या नहीं उठे हैं और यहाँ पर जानू को भी मैंने अंदर ले लिया था और जहंगो अपना दूध पी रहा था दूध पी के हट गया था थोड़ा बहुत बचा है तो बाद में पी लेगा सबसे पहले एक जोश में चला देती हूँ क्योंकि अंदर थोड़ी सी गर्मी लग रही थी मुझको तो उसमें चला देती हूँ तो अब तो एसी वग़ैरह चल नहीं रहा है अब ए सो जाते हैं हम और एसी के तार वार सब निकाल दिए हैं और फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को दोबारा उठा कर आई अब वो नहाने गए हुए हैं तो मैंने जल्दी से अब नाश्ता बना रही हूँ तो सबसे पहले बनाऊँगी मैं मज़ेदार सी चाय तो चाय जो है अब हम मेरे को दोबारा से गुड़ वाली पीनी स्टार्ट करनी क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई ना सर्दियों में तो गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है तो जल्दी जल्दी से चाय पका लेती हूँ चाय में डालूँगी एक चुटकी नमक इसकी कीमत तो कोई नहीं जान सकता क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना एक बार को अंडा फीका खा लेंगे दाल फीकी खा लेंगे लेकिन चाय में नमक वो तो बहुत ज़रूरी है और जब चाय बना के लेके जाओ दस्तरखान पे तो ये कहते हैं नमक डाला था तुमने तो मैं कहती हूँ हाँ डाला था बोलते लग तो नहीं रहा तो मैं कहती हूँ भाई एक चम्मच नमक डाल लो एक वीडियो देखी थी उसके अंदर प्रेम जी जो है ना नमक वाली चाय पीते हैं कभी बत्तख के दूध की चाय पीते हैं तो वही वाली चाय मुझे अपने हस्बैंड को भी बना के देनी पड़ेगी <laughs> तो जब इन्हें पता चलेगा तो ये रात के लिए मैं ना चने मंगाए थे तो मैं अभी छोले जो है रात को बनाऊंगी तो अभी से भी देती हूँ सुबह ही ग्यारह बजे के करीब ग्यारह बज रहे हैं तो इन्हें भिगो दिया है कि पूरे दिन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे और इनके जो है ना एक स्कूप बिस्किट डालती हूँ मैं जब वो खा लेते हैं ना तो जब दूसरा डालती हूँ वरना वो पड़ा रहता है चीटियाँ लग जाती थी वैसे अब तो सर्दियाँ चीटियाँ नहीं आ रही लेकिन फिर भी अब मैं पहले एक स्कूप डालती हूँ और फिर ये जो हमारा ख़राब हो रहा था ना आज मैंने पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है क्योंकि ख़राब हो रहा था ऊपर से जो सामान रखा था ना मैंने बंद करके रख दिया सब चीज़ों में फूई आ गई थी तो इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था और रात को बनाए थे छोले और चावल क्योंकि आज मैंने ना किचन की बहुत सफ़ाई करी है बहुत ज़्यादा सफ़ाई मैं बता नहीं सकती मैं कितनी थक चुकी हूँ और फिर मैंने छोले चावल जल्दी से बनाए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें